या पूरे देश के कुर्मियों का जो सरताज है वो सरदार पटेल है। सरदार पटेल के इतिहास के साथ या उनके प्रतिमा के साथ कोई गड़बड़ करेगा तो कुर्मी समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नालंदा जिला के हिलसा में एसयू कॉलेज में देश के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, अनावरण किया गया है, मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं इस कार्य के लिए। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज से 32 साल पहले तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री मंगनी लाल मंडल जी के द्वारा उस प्रतिमा का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास आज से 38 साल पहले 32 साल पहले किया गया था। तो भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी कीमत पर बिहार के कुर्मी वोट नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी, आप जो है अब लगा नीतीश कुमार को कि अब जब कुर्मी समाज वोट देने को तैयार नहीं है तो अब ये सरदार पटेल को जो है इनको याद आ रहा है। 32 साल से सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको याद नहीं आए थे। जब उसका शिलान्यास किया गया, वहाँ का स्थानीय लोगों ने, कुर्मी समाज के लोगों ने, हमारे अभिभावकों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके 1.25 लाख रुपया में जयपुर से मूर्ति मंगाया, वहाँ मूर्ति को स्थापित हुए। अब मूर्ति स्थापित हुए, जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि आज से 8-10 साल पहले से ही उस मूर्ति पर हरेक साल सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। तो पुराने मूर्ति को फिर से लोकार्पण करने का, फिर से जो है अनावरण करने का क्या तुक है मुख्यमंत्री जी? 32 साल पहले मूर्ति आया था लेकिन उसका अनावरण नहीं हुआ था। तो अगर 32 साल के बाद फिर अनावरण हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी 32 वर्षों के समय में आप वहां से सांसद भी रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, तो इतना दिनों में सरदार पटेल की याद नहीं आई थी? अरे नीतीश कुमार के लिए ना कुर्मी प्रतिबद्ध है जी। अब नीतीश कुमार कहेंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ तो कुर्मी थोड़े मानने वाला है, नहीं मानेगा। कुर्मी समाज बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के बात पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देगा, नहीं दीजिएगा। भाई पटेल का 148वां जो है जयंती समारोह कल मनाया गया था हिलसा में, जो है नीतीश कुमार जाकर के उनका मूर्ति का अनावरण करते हैं। उसके बाद जो है वातो विवाद, यानी कहें तो राजनीतिक सियासत जो है गर्म हो जाती है। अभी हमारे साथ RLJD के प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे कि कल नीतीश कुमार जो है वहां गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति का अनावरण किए, क्या ऐसा लग रहा है कि अब उनको जरूरत पड़ गया? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नालंदा जिला के हिलसा में एसयू कॉलेज में देश के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, अनावरण किया गया है, मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं इस कार्य के लिए। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज से 32 साल पहले तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री मंगनी लाल मंडल जी के द्वारा उस प्रतिमा का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास आज से 38 साल पहले 32 साल पहले किया गया था। तो 32 साल पहले उस मूर्ति का शिलान्यास किया गया था, तो जिस मूर्ति का शिलान्यास आज से 32 साल पहले हो गया, उसका पुनः फिर से आप जो है शिलान्यास कर रहे हैं, फिर से उसका आप जो है आप अनावरण कर रहे हैं। तो मान ली, ठीक है, 32 साल पहले जब उसका शिलान्यास किया गया, वहां का स्थानीय लोगों ने, कुर्मी समाज के लोगों ने, हमारे अभिभावकों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके 1.25 लाख रुपया में जयपुर से मूर्ति मंगाया, वहां मूर्ति को स्थापित हुए। अब मूर्ति स्थापित हुए, जहां तक हमारी जानकारी में है कि आज से 8-10 साल पहले से ही उस मूर्ति पर हरेक साल सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर वहां पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। तो पुराने मूर्ति को फिर से लोकार्पण करने का, फिर से जो है अनावरण करने का क्या तुक है मुख्यमंत्री जी? हमारी जानकारी में बिहार में पहली बार, एक तो आप पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति का अनावरण किए, पहली बार हमारी जानकारी में किए हैं, हाँ, और उसके बाद आप अनावरण भी किए तो एक पुरानी मूर्ति का अनावरण किए हैं, ये सरदार पटेल का अपमान है माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है, अब थोड़ा देर के लिए JDU के लोग का कहना है कि नहीं, 32 साल पहले मूर्ति आया था लेकिन उसका अनावरण नहीं हुआ था। तो अगर 32 साल के बाद फिर अनावरण हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी, 32 वर्षों के समय में आप वहां से सांसद भी रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे,
18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, तो इतना दिनों में सरदार पटेल की याद नहीं आई थी हैं? और आज मतलब कि 32 वर्ष के बाद आपको सरदार पटेल का याद सताने लगा है, क्या कारण है मुख्यमंत्री जी? हो सकता है कि एक बैट चला था, नीतीश कुमार कहे थे तेजस्वी यादव को खड़ा करके, अब तो हमारा अंतिम बार है, अगला बार से यानी तेजस्वी की तरफ इशारा करते हैं मुख्यमंत्री के, तो हो सकता है कि पटेल लोग समाज का जो वोट है, कुर्मी समाज का वोट जो है वो तेजस्वी यादव को देना चाह रहे हैं। देखिए, कुर्मी बिहार के कुर्मी समाज के लोग या पूरे देश के कुर्मियों का जो सरताज है वो सरदार पटेल है। सरदार पटेल के इतिहास के साथ या उनके प्रतिमा के साथ कोई गड़बड़ करेगा तो कुर्मी समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए, हो सकता है नीतीश कुमार को जी को डर सताने लगा होगा कि चूंकि कुर्मी तो नीतीश जी को इसलिए वोट देते थे ना, कुर्मी समाज के लोग देता था कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। कुर्मी समाज के लोग, बिहार के लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को वोट देते थे ना, और साथ ही साथ उसके साथ कुशवाहा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो या प्रगतिशील सवर्ण समाज हो, ये लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देते थे। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2025 का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा, तो भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी कीमत पर बिहार के कुर्मी वोट नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी, आप जो है अब लगा नीतीश कुमार को कि अब जब कुर्मी समाज वोट देने को तैयार नहीं है तो अब ये सरदार पटेल को जो है इनको याद आ रहा है। 32 साल से सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको याद नहीं आए थे, और आज इनको सरदार पटेल याद आ रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं साजिश है, और ये चाहते हैं सरदार पटेल के नाम पर कुर्मियों को बरगलाना और तेजस्वी यादव को कुर्मी का वोट दिलवाकर मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन कुर्मी समाज के लोगों से हम आगाह करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुर्मी एक वोट भी नहीं देगा और नहीं देना चाहिए। तेजस्वी यादव को कुर्मी का वोट देने का मतलब है अपनी गर्दन पर तलवार चलवाना और बिहार को जंगल राज में फिर ढकेल देना। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे कुर्मी का वोट बैंक उधर जाएगा, तो तेजस्वी के पास जाएंगे तो वोट बैंक। अरे नीतीश कुमार के लिए ना कुर्मी प्रतिबद्ध है जी, अब नीतीश कुमार कहेंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ तो कुर्मी थोड़े मानने वाला है, नहीं मानेगा। कुर्मी समाज बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के बात पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देगा, नहीं दीजिएगा, नहीं देगा। पूरा एकदम खाली है कि इस बार नहीं देना। अरे भाई, जिसके पिताजी की शासन में, माताजी के शासन में हजारों कुर्मी के नौजवानों की हत्या हुई, हजारों कुर्मी और कुशवाहा, अति पिछड़ा और दूसरे समाज के लोगों के महिलाएं विधवा हुई, और वैसे परिवार को किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुर्मी समाज किसी भी कीमत पर वोट नहीं देगा। जहाँ नीतीश कुमार जो करना है वो प्रयास कर ले, अब उनको सरदार पटेल याद आ रहे हैं। 32 साल से उनको सरदार पटेल याद नहीं आए थे नालंदा के हिलसा मेसी कॉलेज में, वह सरदार पटेल का एक तरह से अपमान किया है इन लोगों ने। चलिए, तो ये उभरते हुए यानी कहें तो कुर्मी समाज से उभरते हुए नेता हैं, युवा नेता हैं, रालोसपा में युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हैं, लेकिन इनका जो बयान रहता है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति का अनावरण किया है, इन्होंने साफ तौर पर कहे कि 38 साल से इनको याद नहीं आ रहे थे, जब वो मुख्यमंत्री रहे उससे पहले वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे, तमाम बातों को अपने रखा। इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।